हमारे लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के नए खेल मंत्री जीतू पटवारी द्वारा किसे चुनौती दी गई है और किसे चेतावनी दी गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि खेलों में ग्रामीण और कस्बाई प्रतिभाओं को उभारना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी और इस क्षेत्र में भाई भतीजावाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटवारी द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह कहा गया कि खेलों में ग्रामीण और कस्बाई प्रतिभाओं को उभारने के लिए खास प्रयास किए जाएंगे और इस क्षेत्र में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। खेलों में राजनीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये खतरनाक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई कमलनाथ सरकार की प्राथमिकता सिर्फ खेल और इससे जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है और इसके पहले से किए जा रहे प्रयासों को और अधिक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को खेल में अग्रणी राज्य बनाया जाए और इसी दिशा में उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है।